नमस्कार, खुलासा में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रशांत झा। ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। नीतीश कुमार पहले फेज के प्रचार तक डिफेंस में थे, पर अब ऑफेंसिव हैं। लगातार लालू राबड़ी परिवार पर निशाना साध रहे हैं। मुख्यमंत्री चिराग पर भी इशारों में हमला करना शुरू कर दिया है, लिहाजा बिहार का चुनावी तापमान अब चढ़ गया है। आपको दिखाते हैं वैशाली से विनय कुमार और मुजफ्फरपुर से संजीव के साथ पटना से अनुप्रकाश की रिपोर्ट। देखिए कि नीतीश कुमार ने लालू परिवार पर 9 बच्चों को लेकर क्या कहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब दूसरे फेज के चुनाव के लिए प्रचार में आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। दशहरे के दिन वैशाली में उन्होंने जिस तरह से लालू राबड़ी सहित तेजस्वी यादव और चिराग पासवान पर बड़ा निशाना साधा, उससे साफ है कि बिहार चुनाव में अब नीतीश कुमार का शालीन चेहरा नहीं बल्कि हमलावर फेस सामने रहेगा। वैशाली में नीतीश कुमार ने बिना नाम लिए कहा कि 8-9 बच्चे पैदा करने वाले बिहार का विकास करने चले हैं। बेटे की चाह में कई बेटियां हो गई, मतलब बेटियों पर भरोसा नहीं है। ऐसे लोग क्या बिहार का भला करेंगे। राजनीतिक विशेषज्ञ इसे लालू यादव पर तंज मानते हैं। नीतीश कुमार ने इसी तरह चिराग परिवार पर भी निशाना साधा और कहा कि कुछ लोग पति पत्नी, बेटा बेटी, माता पिता को ही अपना परिवार मानते हैं, लेकिन उनके लिए पूरा बिहार परिवार है। नीतीश कुमार ने मन से कहा कि कुछ लोग सलाहकारों के माध्यम से उनके खिलाफ बोलते हैं और उनको प्रचार मिलता है तो उनको मिले प्रचार। मुख्यमंत्री ने कहा उनको प्रचार से मतलब नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए लालू राबड़ी सहित तेजस्वी को निशाने पर लिया, साथ ही लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ बोलने वाले चिराग पासवान को भी इशारों में सीख दी। चुनावी सभा को संबोधित करने के दौरान अपने भाषण में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सत्ता में इस बार आया तो निश्चित रूप से 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने के बाद अब हर घर सोलर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था होगी। साफ सफाई के साथ टेक्नोलॉजी के परीक्षण की व्यवस्था भी कराई जाएगी। 15 वर्षों में विकास तेज गति से हुआ है। और आप जरा सोच लीजिए, जो रघुवंश बाबू 1990 से लगातार साथ देते रहे, उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया गया। हम लोग तो शुरू से जानते हैं, केंद्र में भी मंत्री थे, उन्होंने विशेष काम किया। और जो कुछ भी उनसे संभव था उन्होंने काम करने की कोशिश की है। और आज जो लोग सत्ता हासिल करने के चक्कर में समाज में फिर से टकराव उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों ने इनके साथ क्या व्यवहार किया साहब। उनकी तबीयत खराब और उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया, ये बहुत ही दुखद है। और जान लीजिए, इस तरह के लोग किसी को अपना नहीं मानते हैं, इनको सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोच है। पति पत्नी, बेटा बेटी, इसके अलावे और कोई सोच नहीं है। पति अंदर चले गए, पत्नी को गद्दी पर बैठा दिया, लेकिन देश के या प्रदेश के महिलाओं के बारे में कोई चिंतन था, कोई चिंता थी। हमने महिलाओं के कहने पर शराबबंदी लागू कर दिया तो कुछ लोगों को तो बड़ी तकलीफ है। तो धंधेबाज लोग, उल्टा पुल्टा काम करने वाले लोग तो गड़बड़ करते ही रहते हैं, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद आज अपराध का दर बिहार में कितना घट गया। क्या हाल था पहले स्कूल का, शिक्षकों का क्या हाल था। आजकल लोग बहाली वहाली का बात आजकल कर रहा है, छोड़िए, कर कोई मतलब नहीं है। 15 साल जिनको काम करने का मौका मिला, जिसमें 10 साल बिहार और झारखंड एक था, और 15 साल में बिहार झारखंड 10 साल को जोड़ते हुए पूरे बिहार में शिक्षक हो या सरकारी सेवा सबको मिला करके बहाली हुई थी 95,000। आप जरा सोच लीजिए, और हम लोगों को काम करने का मौका मिला तो शिक्षकों की बहाली से लेकर के सरकारी सेवाओं में बहाली, और 6 लाख से भी ज्यादा और दूसरे तरह से अन्य प्रकार की सेवाओं में लोगों को काम में लगाया। तो हम लोग काम करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को तो ऐसे ही बयानबाजी देना, तो खैर उससे हमारा तो कोई लेना देना नहीं है। जिनको न काम का अनुभव है, न लोगों की सेवा के प्रति समर्पण है, कुछ भी बोल सकते हैं, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा मतलब एक ही है, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। हम लोगों के यहां लोगों को यही कहा जाता रहा है शुरू से
कि भाई सेवा करिए सेवा करिए, और कुछ लोगों को सीखा है कि मेवा चाहिए मेवा चाहिए मेवा चाहिए, माल चाहिए, और कुछ लोग इसी चक्कर में अंदर जाते हैं। अभी अंदर कौन है? और आप बताइए हम कैसे एक साल आठ महीना के बाद अलग हुए? हमने कहा जो केस चला तो हमने क्या कहा था कि आप एक्सप्लेन कर दीजिए आपके ऊपर जो आरोप लगा है, एक्सप्लेन करने की स्थिति में नहीं थे। और दूसरी तरफ शुरू किया पुराना गड़बड़ी, थाना होना से लेकर के हर जगह बाया दाया हमको लगा कि भाई इस तरह से तो हम काम नहीं कर सकते, अगर ऐसा हुआ तब तो हम एक काम नहीं कर सकते, इसलिए हमने छोड़ दिया। और बाद में भाजपा ने समर्थन दिया, फिर से सरकार बन गई और पहले जैसा काम कर रहे थे वैसा ही काम आज भी कर रहे हैं। किसी को चिंता है? आठ आठ नौ नौ बच्चा बच्ची पैदा करता रहता है, क्या मालूम है किसी को? बेटी पर भरोसा ही नहीं, कई बेटियां हो गई तब बेटा हुआ, और आप सोच लीजिए कैसा बिहार बनाना चाहते हैं? ऐसा ही बिहार बनाना चाहते हैं? अगर यही लोगों का आदर्श है तो समझ लीजिए बिहार का क्या बुरा हाल होगा, कोई पूछने वाला नहीं रहेगा, सबका सब बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हम तो आपके बीच में आए हैं कि हम लोग तो एक एक चीज को देखते हैं, एक एक चीज का अध्ययन करते हैं और क्या होना चाहिए इसको सोचते हैं, सबको बताते हैं और किसी की उपेक्षा नहीं करते। मेरे खिलाफ चाहे जो बोले हम किसी की उपेक्षा नहीं करते। रोजगार से लेकर के नौकरी से लेकर के शिक्षा तक आप भले ही कोई बोलता रहे, जान लीजिए ये सब में कोई दम नहीं है, कोई काम नहीं किया, जिनको किसी चीज की जानकारी नहीं अनुभव नहीं है अपने सलाहकारों के माध्यम से कुछ भी बोलना और मेरे खिलाफ बोलना, हमको इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। मेरे खिलाफ बोलने वालों को खूब प्रचार करने का मौका मिलता, कर लो प्रचार, हमको क्या लेना देना उससे, हमको अपने प्रचार से मतलब नहीं है। हम तो पूरे बिहार को एक परिवार मानते हैं और कुछ लोग हैं जो अपने परिवार पति पत्नी माता पिता बेटा बेटी उसी को परिवार मानते हैं, और हम तो पूरे बिहार को एक परिवार मानते हैं, पूरे बिहार की सेवा करना और किसी भी पक्ष की उपेक्षा नहीं करना, तो ये हम लोगों का कर्तव्य है। तो ये काम करते जाए हैं, आगे भी करेंगे, आप मौका दीजिएगा तो यही हम आपके बीच में आए। हमको तो पता था कि ये मुद्दे को भटकाना चाहेंगे, लेकिन इनकी दाल गलने वाली नहीं है। सुशासन बाबू कौन है आप बताएं, सुशासन बाबू कौन है? तो इस पे हमको टिप्पा टिप्पणी नहीं करना, ये हताशा का परिचय कुछ लोग दे रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि उनका जाना तय है। किसको नहीं पता है, किसी एक बिहारी से पूछिए किसको नहीं पता होगा मेरा बिहार में शराब मिलती है कि नहीं मिलती है। जो लोग बाहर से आए, आज चुनाव है तो कितने ऐसे रिपोर्टर्स हैं जो कि दूसरे प्रदेशों से आ रहे हैं, वो आकर खुले मुंह बोल रहे कि भैया आपको तो पता चला यहाँ पर कि होम डिलीवरी हो रही है शराब की, तो नहीं हो रही है क्या बता दीजिए मुझे। और फिर वही बात है कि पूरे 12 करोड़ बिहारियों को पता है, मात्र एक व्यक्ति जिनको नहीं पता वो हमारे भोले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, मुझे तो कुछ पता ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, मैं तो जानता ही नहीं। भाई कैसे नहीं पता आपकी ना कह लीजिए, एक मंत्री मैं दावे के साथ कहता हूँ जिसको ये बात नहीं पता कि बिहार में कैसे खुलेआम शराब बिक रही है। नीतीश कुमार के इस हमला का जवाब भी तेजस्वी और चिराग ने दिया है। अब यह साफ है कि जब दोनों नीतीश कुमार पर हमला कर रहे थे तो नीतीश कुमार चुप थे, अब ये दोनों युवा नेता बौखला रहे हैं। खुलासा के लिए श्रुति प्रिया के साथ, पटना से अनुप्रकाश के साथ, वैशाली से विनय कुमार के साथ, मुजफ्फरपुर से संजीव कुमार की रिपोर्ट। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल खुलासा मीडिया को कीजिए सब्सक्राइब और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल के लिए दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।